गुड मॉर्निंग एवरी वन वी है न्यू चैप्टर न्यू सेशन क्लास फोर जिसमें हमने कल सिर्फ एक रिकॉल किया था कि हमने क्लास थ्री में क्या चीज़ें पढ़ी हैं है ना तो वही हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे जो हमारी लिंकिंग एक्सरसाइज है वी विल कंटिन्यू विद दैट हम उसके कुछ क्वेश्चंस को आज करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सो दिस टाइम देयर इज़ लि बिल चेंज इन द बुक ये बुक का कवर पेज है सिर्फ आपको इसीलिए शो किया जा रहा है सो दैट यू कैन नो कि हाँ आपकी बुक कौन सी है मैथ्स की नेक्स्ट इज़ ये आपके चैप्टर नंबर वन लार्ज नंबर्स का फर्स्ट पेज है इसी बुक का हम इस पेज से फिलहाल कुछ नहीं करेंगे दिस इज पेज नंबर टू ठीक है इस पेज से हम चीज़ें करेंगे यहाँ पे हमारे पास सबसे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ऑल दो हमने लास्ट क्लास में ही कर दिया है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं कौन सा होता है या फिर थ्री डिजिट का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन से होते हैं अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कंपेयर द नंबर्स यूजिंग साइंस ठीक है हमें साइन को यूज करके नंबर्स को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन जैसा हमने लास्ट क्लास में बोला ही था हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे कंपेयर करना ठीक है दोनों ही नंबर्स में सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है वो है वन दोनों में ही वन है तो वन तो दोनों इक्वल हो गई चलो हम नेक्स्ट पे जाते हैं टू और इसमें नेक्स्ट कौन सी डिजिट है फाइव इसका मतलब फाइव बड़ा है ना तो मतलब ये नंबर ग्रेटर है इसी तरीके से आपको बाकी के नंबर्स भी ऐसे ही करके कंपेयर करने लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे ठीक है और लेफ्ट साइड से शुरू करते करते जो ज, जिसकी डिजिट हमें पहली डिजिट बड़ी दिख जाएगी वो नंबर ग्रेटर होगा या फिर अगर नहीं जिस अगर दोनों की डिजिट्स ऑल द डिजिट्स आर इक्वल तो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी आपको बुक में ही करना है क्वेश्चन नंबर थ्री तो आपको बुक में करना ही करना है क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी आपको बुक में करना है क्या करना है आपको ये फोर डिजिट्स हमें गिवन है कौन कौन सी सिक्स वन ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें फोर डिजिट्स गिवन है सिक्स वन थ्री एंड नाइन ठीक है तो सिक्स वन थ्री एंड नाइन में ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हमने लास्ट क्लास में सीखा था ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनता है सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लिखेंगे उससे छोटी डिजिट उससे छोटी डिजिट तो यहाँ पे हमने नाइन पहले लिख दिया उसके बाद सिक्स लिखा फिर थ्री लिखा फिर वन लिखा है ना इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पहले लिखेंगे तो इस केस में वन पहले लिखा जाएगा देन थ्री लिखा जाएगा देन सिक्स लिखा जाएगा एंड देन देख लिखा जाएगा ये क्वेश्चन भी आप अपनी बुक में ही करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है करना क्या है राइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अब हमें पता है यहाँ पे सेवन वन प्लेस पर है फाइव जो फिफ्टी है फिफ्टी मीन्स प्लेस पर होगा फाइव और 9000 9000 है इसका मतलब 9 जो होगा वो थाउजेंड्स प्लेस पर होगा यहाँ पे एक चीज नोटिस करी हमने 100स प्लेस तो स्किप है तो जब 100स प्लेस की कोई डिजिट ही नहीं दी हुई है तो हम 100स प्लेस पे क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे वेरी गुड तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 9 0 5 एंड सेवन नाइन थाउजेंड फिफ्टी सेवन ठीक है इस तरीके से आंसर लिखेंगे यहाँ पे हमें ऑल दी फोर डिजिट्स गिवन है, कोई भी स्किप्ड नहीं है तो आंसर हो जाएगा एट सिक्स सिक्स नाइन ठीक है एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी नाइन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे ये आपको अपनी नोटबुक में करना है नोटबुक में आपको ये नोट करने हैं आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है जो ग्रीन पार्ट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको ए बी सी ये आ, इनको लिखना है द प्री ऑफ फोर थाउजेंड हमने लास्ट क्लास में बोला था प्रीडिसेसर क्या होता है फोर थाउजेंड से जस्ट पहले वाला नंबर ठीक है जब हम काउंटिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू नो कि ओके okay, हमारे पास अगर फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन ये काउंटिंग चलती है तो हमें पता है सिक्सटी से पहले फिफ्टी नाइन आता है ना लेकिन जब इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा उसके लिए बड़ा इजी सा वे होता है काउंटिंग प्री डिसर मतलब नंबर जो पहले आ रहा है क्या मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि इट इज़ वन लेस है ना एक काम होता है अगर मेरे पास फोर है तो फोर का प्री डिसेसर थ्री होता है दैट मीन थ्री जो है वो फोर से वन लेस होता है और मैं एक और तरीके से थ्री को फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर मैं फोर में से वन को माइनस कर दूं है ना तो सिमिलरली अगर मुझे फोर थाउजेंड का प्री फाइंड आउट करना है तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नोट करेंगे इसको पहले तो क्वेश्चन नोट करेंगे कि प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है हमें फोर थाउजेंड का अब हम क्या करेंगे यहां पे फोर थाउजेंड माइनस वन ठीक है ये हम करेंगे माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो राइट साइड से हमेशा शुरू करते हैं चाहे प्लस हो या माइनस हो दोनों राइट right साइड से शुरू होंगे तो जीरो में से वन जा सकता है नहीं पॉसिबल है तो क्या करेंगे बोरो लेंगे इससे थोड़ा सा हायर प्लेस ये भी जीरो है इससे भी बोरो नहीं लिया जा सकता तो फोर बोरो तो बन जाएगा बट जब फोर इसको देगा डायरेक्टली तो वंस प्लेस पे नहीं जा सकता ये वंस प्लेस है ये वाला है ना ये वंस प्लेस है तो डायरेक्टली इस पे तो नहीं जा सकता तो फोर ने बोरो दिया ये बन गया टेन है ना अब 10 इसको बोरो थोड़ी चाहिए था बोरो तो इस वाले जीरो को चाहिए था सबसे राइट मोस्ट को तो ये 10 भी क्या बन जाएगा नाइन बन जाएगा और अपना बोरो इससे थोड़े से छोटे प्लेस को दे देगा अगेन बोरो तो सबसे राइट जीरो को चाहिए था ये 10 भी अपना वन बोरो दे देगा खुद नाइन बन जाएगा और इसके पास बोरो चला गया नाउ 10 1 इज 9 9 नथिंग कुछ भी नहीं है यहां पे तो कुछ भी नहीं है इस लाइन में तो नाइन माइनस नथिंग इज नाइन सिमिलरली यहाँ पे भी नाइन और ये फोर था वो थ्री बन गया था तो आंसर विल बी थ्री हेयर तो हमारे पास जो प्री आया फोर थाउजेंड का दैट इज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन इस तरीके से आपको प्री फाइंड आउट करना है सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बी पार्ट सक्सेसर सक्सेसर के लिए जैसा हमने प्रीडिसेसर में माइनस किया है सक्सेसर मींस जो नेक्स्ट नंबर होता है जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फोर का सक्सेसर फोर का सक्सेसर कौन सा होगा फाइव होगा क्योंकि फाइव फोर के बाद आता है अब बड़े नंबर्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यों जिस तरीके से फाइव हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फोर में वन प्लस करके सिमिलरली नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी का भी सक्सेसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें प्लस वन करके ये आप खुद करेंगे वन लेस दैन द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर वन लेस अगेन थ्री डिसेसर ही होता है इसका मीनिंग तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा होता है थिंक इट इज फोर टाइम्स नाइन तो हम अगर इसका वन लेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हाउ वी विल फाइंड दैट वी विल जस्ट लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स नाइन एंड उसमें से वन माइनस कर देंगे वी विल गेट इजीली ईजिली आंसर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे सेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या करना है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो सबसे पहले लिखा जाएगा ठीक है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सबसे बाद में लिखा जाएगा अब वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जैसा हम बोल ही रहे हैं कंपेरिजन हमेशा हर नंबर का लेफ्ट डिजिट से करते हैं सबसे लेफ्ट डिजिट यहाँ पे फाइव है यहाँ पे वन है ये भी वन है ये फाइव है ये टू है है ना इस अब क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा ठीक है तो आप इसको लिखने का तरीका क्या है सबसे पहले हम इन नंबर्स को नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में एज इट इज अगेन ग्रीन वाला क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है हम सिर्फ ए पार्ट का क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे सारे नंबर्स को नोट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है ये वर्ड जरूर लिखना है हमें अपनी कॉपी में यहां पे हमने जैसे नंबर्स नोट कर लिए अपने जो भी हमारे नंबर्स थे यहां पे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर ये लिख दिया और उसके बाद हम यहां से अपना जो भी नंबर्स हैं उनको ऑर्डर में लगाएंगे सबसे पहले सबसे बिगर नंबर वो बिगर नंबर कौन सा होगा जैसा हम यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं फाइव वन वन फाइव टू सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट देख रहे हैं हर नंबर की हमें पता है दो नंबर्स हैं जिनमें सबसे बड़ी डिजिट है दैट इज फाइव फाइव बट दोनों बराबर हैं दोनों में से कोई एक ही नंबर आ सकता है चलो इसकी दूसरी नेक्स्ट डिजिट देखते हैं इन दोनों नंबर्स की एक नंबर की है टू और दूसरे नंबर की है सेवन ऑब्वियसली जिसकी सेवन है वो नंबर बड़ा होगा दैट मीन्स ये नंबर सबसे पहले आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइव सेवन वन जीरो तो हमने यहां पे लिख दिया फाइव सेवन वन जीरो है ना नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा ऑब्वियसली अगेन फाइव टू फाइव सेवन के बाद फिर फाइव टू ही होना चाहिए क्योंकि इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे बड़ी है फाइव टू जीरो सेवन अब जब हम फाइव टू जीरो सेवन लिखेंगे तो ये साइन जरूर लगाएंगे ठीक है ये साइन हमें बताएगा कि हम एक्चुअल में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं मतलब फाइव सेवन वन जीरो बड़ा नंबर है एंड फाइव टू जीरो सेवन उससे छोटा नंबर है अब नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे बाकी नंबर्स का हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट थी वो थी वन वन एंड लास्ट में था टू तो ऑब्वियसली टू बड़ा नंबर है तो पहले टू वाला ही नंबर आना चाहिए तो हमारे पास जो थर्ड नंबर बनेगा वो बन जाएगा टू वन एट वन तो हमने अगेन ये सिंबल लगाया ठीक है ग्रेटर देन का टू वन एट वन ये लिखा फिर से ग्रेटर देन का सिंबल लगाया अब दोनों नंबर्स जो बच गए हैं उनमें वन वन है है ना तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा इनकी नेक्स्ट डिजिट देखनी पड़ेगी एक की है सेवन और दूसरे की है जीरो तो ऑब्वियसली जिसकी सेवन है वो बड़ा नंबर है तो सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे वन सेवन जीरो एट तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन सेवन जीरो एट ठीक है यहाँ पे स्पेस नहीं है फिर आप उसके नेक्स्ट लाइन में फिर से सिंबल लिखोगे आगे और जो लास्ट नंबर बच गया वन जीरो सेवन फाइव ये वाला नंबर लास्ट नंबर इसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे वन जीरो सेवन फाइव तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे अपनी कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो नोट करोगे उसके बाद लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर एंड उसके बाद इसको ऑर्डर में इसी तरीके से लगाओगे जैसे सिंबल्स हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट इसका बी पार्ट आप करोगे क्वेश्चन नंबर एट है एट में यहाँ पे है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाता है इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे अगेन सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हम कंपेयर करेंगे सबकी है ना सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है टू बिकॉज किसी में टू है किसी में सेवन है किसी में टू है फिर से एट तो ऑब्वियसली टू सबसे छोटा है लेकिन यहाँ पे तो टू वाले थ्री नंबर्स हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा छोटा नंबर है उनकी नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो एक वाले की जो नेक्स्ट डिजिट है वो है सेवन थर्ड जो नंबर है उसकी नेक्स्ट डिजिट है टू एंड फिफ्थ जो नंबर है लास्ट उसकी नेक्स्ट डिजिट है एट ऑब्वियसली टू टू वाला सबसे छोटा नंबर है ना तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स के साथ लिखेंगे क्वेश्चन डिसेंडिंग की जगह लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर और फिर ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो जैसा हमारे पास दिखा हमने सबसे फर्स्ट नंबर है टू टू सेवन एट तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू टू सेवन एट लेकिन इस बार जो साइन होगा वो ये वाला साइन होगा क्यों क्योंकि हमने सबसे छोटा नंबर पहले लिखा है तो ये सबसे छोटा मतलब ये वाला नंबर छोटा है जो नेक्स्ट होगा वो उससे बड़ा नंबर होगा दिस क्वेश्चन अगेन यू विल डू बायोर सेल्फ तो अब आपको ये क्वेश्चन जो दोनों हैं और इसके साथ साथ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में करना है और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी बुक में ही फिल इन द ब्लैंक करने हैं